हेलो दोस्तों, मैं सुमित सिंह, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइव बूस्टर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल रेड बटन दबाइए और वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरे रेगुलर अपडेट जो रेगुलर वीडियोस आते हैं वो आप देख सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट की जो हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं उन्हें भीगने से बचाता है। आप बारिश में निकलते हैं, आपको इस बात की बहुत चिंता रहती होगी कि यार हमारा फोन कहीं भीग ना जाए। हम भीग जाए चलता है, लेकिन हमारा फोन नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि फोन आजकल कॉस्टली आते हैं और हर फोन जो है वो वाटरप्रूफ होते नहीं है। वाटरप्रूफ जो फोन है वो थोड़े महंगे आते हैं, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आज हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट की जो हमारे फोन को भीगने से बचाता है। तो दोस्तों, वो प्रोडक्ट है ये पाउच है, ये केस बोल सकते हैं, पाउच बोल सकते हैं, ये है वाटरप्रूफ। ये मेरे पास रिसेंटली, मैंने दो दिन पहले ही ये मेरे पास पहुंचा है। मैंने अमेजोन से इसे ऑर्डर किया था। आप लिंक जो है वो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें आप इसका लिंक देख सकते हैं। और ये पाउच दोस्तों, मैंने इसका टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है। मैंने सोचा टेस्ट करने के बाद क्यों ना आप लोगों से इसे शेयर किया जाए। तो टेस्ट करने के बाद मैंने ये देखा कि ये पाउच जो है ये बहुत काम का है। मैं आपको इसका अभी एक डेमो दूंगा। ये है वो पाउच, इसे मैं दोस्तों यहाँ से खोलूंगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये पाउच। और इस वायर का काम ये है, जो आपका 3.5 जैक जो है ये आपके फोन में ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका आउटपुट है, अगर आप ईयरफोन या गाने वगैरह सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना ईयरफोन कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं, बारिश में भी या आप पानी के अंदर ही क्यों ना हो, अगर आपका ईयरफोन भी वाटरप्रूफ है तो। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है, ये वाटरप्रूफ एक्चुअल में है भी या नहीं। और ये प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन मंगाएं, ये मार्केट में भी अवेलेबल है। यहाँ पे नहीं था तो मैंने इसे अमेजोन से मंगवाया था, बट ये मार्केट में भी अवेलेबल आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों, मैं अपना स्मार्टफोन इसके अंदर डालूंगा और हम देखेंगे कि ये काम करता भी है या नहीं। अब सबसे खास बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि इस तरफ आपको ये दिख रहा है, ये है स्क्रीन, ये ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है। इस तरफ है एक यहाँ पे छोटी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। तो आपको अपने फोन को इस तरह डालना है कि आपका कैमरा भी इस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन में आए और आपका जो मेन स्क्रीन है वो ये बड़ी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन की तरफ आए। उससे पहले हमें ये जो हमारा 3.5 जो जैक है वो हम अपने फोन में कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने किया अपने फोन में 3.5 जैक कनेक्ट, देन उसके बाद मैं अपने फोन को डालूंगा इसके अंदर। और ये देखिए, ये गया मेरा फोन इसके अंदर कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा कैमरे वाला पोर्शन, अगर मैं चाहूँ तो कैमरा शूट भी कर सकता हूँ। और ये है मेरा स्क्रीन। अब मैं इसे करूंगा लॉक। आप देख सकते हैं, इसे बंद करने के लिए ये प्रॉपर तरीके से ये मैंने इसमें फंसाया। और फंसाने के बाद या यहाँ पे देख सकते हैं मार्क दिया हुआ है क्लोज एंड ओपन का। तो ओपन करने के लिए ये जो है ये इस तरफ जाएंगे हुक्स, और ये क्लोज करने के लिए आप इसको इस तरफ पुश करेंगे। अब ये पूरा एयर पैक हो चुका है। आप चाहें तो अपना फोन बाहर से ऑपरेट भी कर सकते हैं। सबसे खास बात दोस्तों इसकी यही है कि आप अपना फोन बड़ी ही आसानी से बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बड़ी आसानी से अपना फोन ऑपरेट कर पा रहा हूँ। ये कैमरा मैंने खोला, आप देख सकते हैं बिल्कुल बिंदास आपका फोन काम करेगा, जैसा जनरली नॉर्मली आपका फोन करता है। आप चाहें तो वीडियो शूटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप वीडियो शूटिंग भी कर सकते हैं चाहें तो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, ये मैंने बंद कर दिया, ये टोटली पैक है। अब मैं इसे डालूंगा पानी के अंदर। अब आप देखिए, ये है मेरा फोन, ये गया पानी के अंदर। और मैं चाहूं तो दोस्तों पानी के अंदर भी इसे यूज कर सकता हूं, पानी के अंदर भी। ये देखिए, ये देखिए बड़ी आसानी से यूज हो रहा है। ये गया पानी के अंदर। कोई हार्म नहीं हुआ है इसके अंदर बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मेरा फोन पानी के अंदर भी ऑपरेट हो रहा है, फोन काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको निकाला बाहर, बहुत अच्छे से डुबो के निकाला है, तो अगर पानी घुसता तो डेफिनेटली अभी तक तो फोन की बैंड बच गई होती। अब इसे देख सकते हैं आप,
ये मैं इसे खोलूंगा पाउच को इस तरीके से, पहले उससे पहले मैं अपने हाथ को पोंछ लूंगा और ये मैंने निकाला इसको, ये खोला और ये निकाला फोन को बाहर। और आप देख सकते हैं मेरा फोन बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं घुसा है, ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ है। ये जो पाउच है ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है रेनी सीजन के लिए। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं यूज करने से पहले, कि अगर आपका वाटर टेम्परेचर और प्रेशर अगर ज्यादा है, जैसे वाटर टेम्परेचर अगर 45 डिग्री से ज्यादा है तो आप डेफिनेटली फिर इसे यूज मत करिए, क्योंकि उसमें भी प्रिकॉशन दिया हुआ है, शायद इसके प्लास्टिक जो है वो उतना प्रॉपर काम नहीं करेंगे। और दूसरा एक और प्रिकॉशन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा थोड़ा सा, कि अगर सडन टेम्परेचर चेंज होता है तो उस कंडीशन में अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आ सकती है, तो वो इतना कंसर्न नहीं है, वो बहुत ही रेयर केस पे होता है। तो ये जो अभी हमने देखा, जो टेस्ट हमने किया, वाटरप्रूफ टेस्ट, इट इज कम्प्लीटली वाटरप्रूफ पाउच। इसके साथ जो मेरे पास एसेसरी आई है वो है ये बैंड, ये आर्म बैंड है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे आर्म पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये पीछे आपको लगाने के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो इसके साथ एसेसरी आया है वो आया है ये रिबन, अगर आप चाहें तो इसको अपने गले पे भी लटका सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और जरूर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, और आप आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और भी अच्छे अच्छे जो राइडिंग से कंसर्न जितने भी वीडियोस हैं बाइक राइडिंग से कंसर्न, वो आपके लिए बिल्कुल मैं सामने लाता रहूंगा। तो थैंक यू, शब्बा खैर, बाय बाय।